क्या पूजा बनेंगी इस बार क्लासिकल डांस का हिस्सा? फिल्म के सॉन्ग्स पर मेकर्स ने क्यों किया है इतना फोकस? नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। राधे श्याम में कैसी होगी सचिन खेड़ेकर की भूमिका? कैसे है वेटरन एक्टर जयराम इस फिल्म? बता दे कि बॉलीवुड एक्टर सचिन खेड़ेकर ने बताया कि वो प्रभास और पूजा की आने वाली फिल्म राधे श्याम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। सचिन इसमें कॉलेज डीन की भूमिका निभाते नजर आएंगे। सचिन खेड़ेकर एक भारतीय एक्टर और डायरेक्टर हैं जो कि हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। वो कई सारी फिल्मों में दिखे हैं और आपको बता दें कि आपका सुरूर, अस्तित्व और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो उनकी सबसे प्रसिद्ध और मशहूर फिल्में हैं। प्रभास इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर हैं। बाहुबली में उनकी भूमिका ने उन्हें मशहूर कर दिया और इसके बाद अब दर्शकों को प्रभास की फिल्मों से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि वेटरन एक्टर जयराम भी इस फिल्म में नजर आएंगे। जयराम सुब्रमण्यम को जयराम के नाम से जाना जाता है और वो अक्सर मलयालम और तमिल फिल्मों में दिखते हैं। जयराम ने 200 से भी ऊपर फिल्में की हैं और वो पद्मश्री, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स जीत चुके हैं। जयराम के इस फिल्म में होने की वजह से कई मलयालम ऑडियंस भी इस फिल्म की तरफ आकर्षित होंगे। आपको बता दें कि जयराम कई फिल्मों में विलन की भूमिका निभाते दिखते हैं। आपको आगे बताएं तो इस फिल्म में काम कर रहे सभी कलाकारों की काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और इसमें सारे दिग्गज और मशहूर कलाकार काम कर रहे हैं और इसी वजह से फिल्म की हिट होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि मनन भारद्वाज और मिथुन राधे श्याम के हिंदी पार्ट में म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। आपको ये जानकारी भी दें कि मिथुन बहुत फेमस हैं, उनके संगीत के कई फैंस हैं। उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड, आशिकी 2 और कबीर सिंह जैसे फिल्मों का म्यूजिक भी कंपोज किया है और उन्हें रिकॉग्निशन मिला था आशिकी 2 के मशहूर सॉन्ग तुम ही हो से। लोग मिथुन को इतना चाहते हैं कि कई बार तो बस फिल्म में उनका गाना होने की वजह से ही वो फिल्म को देखने चले जाते हैं। मिथुन के सारे गाने अक्सर रोमांटिक होते हैं, प्यार पर और प्यार में मिले वाले दर्द से जुड़े होते हैं, पर इसलिए आज की यंग जनरेशन और रोमांटिक ऑडियंस उनके गाने से खुद को जोड़ पाती है। उनके गानों में अक्सर एक कशिश होती है जो दर्शकों को उनके गाने से जोड़ देती है। क्या आपको लगता है कि जयराम के इस फिल्म में होने की वजह से फिल्म की तरफ दर्शक आकर्षित होंगे? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।